परिवार परामर्श केंद्र में आपसी रिश्तों को जोड़ने में लगी है रीवा की पुलिस, बदल रहा रीवा पुलिस का चेहरा। रीवा का पुलिस प्रशासन इन दिनों मानवीय दृष्टि से भी कुछ काम करने के लिए अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। उसी में से एक काम है बिखरे परिवारों को जोड़ने का, साथ ही गांव की महिलाओं को जागरूक करना, उनके अधिकारों से परिचित कराना। उसके लिए रीवा पुलिस ने महीने के दो दिनों को चुना है। इस दौरान उन परिवारों को बुलाया जाता है जो आपस में साथ नहीं रहना चाहते, किसी न किसी बात पर एक दूसरे से रूठे होते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं ज़्यादातर परिवारों की समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सकता है, बस केवल बात होती है उनको बेहतर तरीके से सुनने की, उनको बेहतर समझाइश देने की। इसी क्रम में रीवा के कंट्रोल रूम में परिवार परामर्श केंद्र के बैनर तले एक बार फिर से उन परिवारों को इकट्ठा किया गया जो आपस में साथ नहीं रहना चाहते थे। उनको समझाइश दी गई, कुछ तैयार हुए, कुछ को अगली बार आने के लिए कहा गया। माना जा सकता है रीवा पुलिस इन दिनों अपना चेहरा बदलने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। एसपी साहब के नेतृत्व में ये परिवार परामर्श केंद्र का संचालन किया जाता है प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे संडे को, रविवार को, जिसमें रीवा शहर से जो गणमान्य हमारे काउंसलर्स हैं वो आते हैं, और साथ ही ऐसे परिवार आते हैं जिनको आपस में कोई ना कोई समस्या है, विवाद है, तो उन विवादों को दूर करके उन परिवारों का मिलाप कराया जाता है। इसका भी प्रयास किया जाता है परिवार परामर्श के द्वारा। इस संबंध में ये है। दूसरा एक और प्रोग्राम था महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति एक जागरूकता और प्रचार प्रसार किया जाना था, तो उसमें भी शहर से ग्रामीण अंचलों से जो परिवारों को बुलाया गया है, जो महिलाओं को बुलाया गया है, इस संबंध में उनको जानकारियां दी जा रही है यहाँ परिवार परामर्श केंद्र के साथ साथ। आज कितने केसेस हैं? आज करीब 25 से 30 केस आए हैं अभी। इसमें कुछ जो चार पांच ऐसे परिवार हैं जिनमें अभी दूसरा पक्ष नहीं आया है, बाकी लोग आ गए हैं, काउंसलिंग भी उसमें शुरू हो गई है। Yeah.